तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोनालिका का एक ट्रैक्टर जिसका मॉडल नेम है DI 745-3 इंटरनेशनल SDM हैवी ड्यूटी माइलेज डिलक्स मल्टी स्पीड वेरिएंट को। ट्रैक्टर लेने की बात की जाए तो भाई महीनों के हिसाब से सोचा जाता है कि भाई कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। ट्रैक्टर लेने के लिए सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए जो आपकी डिमांड है, जो आपकी ज़रूरत है, वो फीचर आपको उस ट्रैक्टर में मिलने चाहिए। ये एक हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है, ये 52 HP का ट्रैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका टोटल वेट है 2000 किलो का, इसका व्हील बेस है 2080 mm का और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 425 mm का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आइए अब इस ट्रैक्टर को 360 डिग्री कवर करते हैं। ये है इस ट्रैक्टर की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। यहाँ पर देखिए सोनालिका की ब्रांडिंग है, HDM हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस को मेंशन किया है, यहाँ पर सिकंदर को मेंशन किया है, यहाँ पर 50 कैटेगरी हाई टॉर्क 205 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है, हाई पावर इंजन है 1900 RPM पर, यहीं पर मेंशन किया है कंपनी ने। ये देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल लिखा है और यहाँ पर इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है DI 745-3। यहाँ नीचे की तरफ मल्टी स्पीड को मेंशन किया है। इसके साइलेंसर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, काफ़ी लंबा पाइप दिया है ऊपर की तरफ और इसके ORVM का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का है। बैटरी इसकी राइट साइड में यहाँ पर मिलती है जो कि यहाँ पर पैक है। सामने से इस ट्रैक्टर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर देखिए सोनालिका को 3D में मेंशन किया है। यहाँ पर एक चाबी लगाने का सेक्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए फ्रंट में एयर फिल्टर दिया हुआ है। इसके जाली का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का है। ये देखिए रेडिएटर वाली जाली मिलती है जिसकी वजह से इंजन वगैरह ठंडा रहे। और कंपनी फिटेड ही इसमें फ्रंट में बम्पर मिलता है, ये देखिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। आई थिंक ये 40-50 किलो का तो होगा ही आराम से। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो 2 हेडलाइट मिलती हैं लेफ्ट और राइट में। ये देखिए हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है इसमें कंपनी ने। व्हील की बात कर लेते हैं, फ्रंट में 16 inches के व्हील मिलते हैं। टायर की बात कर लेते हैं, गुडसियर के टायर ऑफर किए गए हैं। इसका साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 7.50x16। और फ्रंट टायर में ग्रिप्स देखिए कुछ इस तरीके की मिलती हैं। 4-line टायर मिलता है जबकि अदर ब्रांड में 3-line टायर्स मिलते हैं, इसमें 4-line टायर हैं। ये है इस ट्रैक्टर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। यहाँ पर भी देखिए DI 745-3 को मेंशन किया है, सोनालिका इंटरनेशनल, HDM, सिकंदर और ऊपर की तरफ पावर प्लस को मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए CM सीरीज़ को मेंशन किया है, मल्टी स्पीड हेडलाइट। इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग मिलती हैं, ये देखिए, जो कि राइट साइड से कनेक्टेड है। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने जब इस साइड में देखा कि मैंने भाई इसमें तो यार पावर स्टीयरिंग नहीं मिलती है, सिंपल दिया हुआ है, लेकिन नहीं भाई, राइट साइड में यहाँ पर देखिए पावर स्टीयरिंग मिलती है जो कि नीचे से ही लिंक है। ठीक है, तो काफ़ी ठीक ठाक है ये। आइए बात करते हैं जहाँ से इस ट्रैक्टर की पावर निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की। इस ट्रैक्टर में कंपनी ने 3067 cc का इंजन दिया है जो कि 3-cylinder इंजन है। मैक्सिमम पावर की अगर बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम पावर है 52 HP की। ठीक है, टॉर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 205 Nm का टॉर्क इससे मिलता है। इंजन रेटेड RPM की बात की जाए तो 2100 RPM पर चलता है। वाटर कूल्ड इंजन मिलता है, डुअल ब्रेक लीवर्स मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट के लिए। यहाँ पर ये रेस दी गई है। पीछे वाले टायर की अगर बात की जाए तो 28 inches का टायर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। यहाँ पर भी गुड सीयर के टायर ऑफर किए गए हैं। साइज भी देख लेते हैं जो कि है 14.928। और इसमें जो ग्रिप्स हैं यानी कि जो गुट्टे हैं कुछ इस तरीके के मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। यहाँ पर देखिए डोल टोन दिया है, ये भी ये फाइबर में ये मेटल में। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं जो कि LED में है भाई, साइड टर्न इंडिकेटर LED में दिए हैं, ये भी LED में मिलती है लाइट। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर ये चढ़ने के लिए काफ़ी मजबूत है। क्लच की अगर बात की जाए तो इसमें डोल क्लच मिल जाती हैं। और इसमें जो गियर दिए गए हैं ये देखिए बिल्कुल बीच में नहीं दिए गए हैं, साइड में दिए गए हैं, कुछ इस तरीके के पैटर्न में हैं। इसमें 8 फॉरवर्ड गियर मिलते हैं, 2 रिवर्स गियर मिलते हैं, वैसे 4 ही गियर होते हैं लेकिन लो हाई को मिला के 8 हो जाते हैं। यहाँ पर ये DC को मेंशन किया है। यहाँ पर ये चढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी बात है भाई कि यहाँ पर ग्रिप मिल जाती है। सीट की अगर बात की जाए तो इसकी सीट जो है
काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सॉफ्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी लग रही है और भी ट्रैक्टर के कंपैरिजन में। यहाँ पर देखिए बैठने के लिए काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, काफ़ी जगह है और पीछे वहाँ पर सपोर्टर भी मिल जाता है, बैक सपोर्ट भी मिल जाता है, कंपनी फिटेड ही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्टेयरिंग की अगर बात की जाए तो इसका स्टेयरिंग जो है काफ़ी अच्छा है, ये देखिए सॉफ्ट है, ठीक है। सेंटर में सोनालिका को मेंशन किया है और यहाँ पर ये ठीक है ना, समझ गए। ये देखो इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का है, बहुत सारे यहाँ पर मीटर मिल जाते हैं, टेम्परेचर मीटर मिलता है, यहाँ पर ये फ्यूल मीटर मिलता है, ये देखो स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर ये घंटे का मीटर मिलता है, टेम्परेचर मीटर वहाँ भी मिलता है, बैटरी मीटर मिलता है। राइट साइड में यहाँ पर देखो एक नॉब मिल जाता है हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर ये रेस को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर ये हैजार्ड लाइट का स्विच मिलता है और एक और यहाँ पर एडिशनल फीचर बटन मिलता है। राइट साइड में यहाँ पर लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए लीवर मिलते हैं, एक लीवर यहाँ पर भी मिलता है प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, ये इंजन ऑफ़ करने के लिए लीवर मिलता है, इसके इग्निशन को कंपनी ने यहाँ पर दिया है। क्यों भाई, इसमें चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है क्या? यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में फ्यूल कैप दिया हुआ है, इसमें 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, यानी कि आप इसमें 55 लीटर डीजल भरवा सकते हो। बोनट यहाँ से इसका ही ओपन हो जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, तेल में डूबे हुए डिस्क मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। इसकी सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसी के साथ साथ एडजस्टेबल भी है, ठीक है, वेट के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बोतल रखने के लिए जगह मिल जाती है, बोतल होल्डर मिलता है, पीछे रिफ्लेक्टर मिलता है और यहाँ पर ये कंपनी फिटेड एडिशनल एसेसरीज भी मिलती है। ये देखिए प्रेशर पाइप लगाने के लिए दो नॉब मिल जाती हैं, यहाँ पर ये लीवर मिलता है कंट्रोल करने के लिए। पीटीओ की अगर बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में 40-42 एचपी का पीटीओ मिलता है, ठीक है, और इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें रिवर्स पीटीओ भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टेल लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए साइड टर्न इंडिकेटर एलईडी में मिलते हैं, ब्रेक लाइट एलईडी में मिलती है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिलता है, इसमें एलईडी लाइट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर ये बल्ब मिल जाता है और पीछे लाइट ये हैलोजन बल्ब में मिलती है, ठीक है, जो कि सभी ट्रैक्टर में मिलती है तो इसमें भी मिलती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए या फिर चाहे कह लो हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसमें 1600 केजी तक का ये वेट लिफ्ट कर सकता है, यानी कि 16 क्विंटल, ठीक है, जो कि यार इतना हैवी ट्रैक्टर है और जिस प्राइस रेंज में ये आता है उसके हिसाब से ये चीज़ मुझे थोड़ी इसकी कम लगी है, ठीक है, कम से कम 2000 केजी तो होना चाहिए था, यानी कि 20 क्विंटल तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं तो एक आध चीज़ें कम ज़्यादा तो होती रहती हैं भाई, कंपनी कहाँ से मैनेज करेगी, कोई चीज़ कहीं पर बढ़ा देगी, कोई चीज़ कहीं पर बढ़ा देगी। आइए अब बात करते हैं इसके प्राइस माइलेज वारंटी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं वारंटी की। सोनालिका कंपनी अपने इस नए ट्रैक्टर पर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 2000 घंटे तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, चाहे साल पहले हो जाए या फिर घंटे पहले हो जाए। आइए अब बात करते हैं माइलेज की। आप इस ट्रैक्टर से मैक्सिमम माइलेज निकाल सकते हैं रोड पर, मैं ट्रॉलिंग पहले बता देता हूँ, 9-10 किलोमीटर के आसपास निकाल के दे देगा और इसी के साथ साथ यदि आप लोडिंग पर चलाते हो तो 1 घंटे में लगभग यह ट्रैक्टर 3.5 लीटर से 4 लीटर डीजल लेगा। बात करते हैं इसकी प्राइस की। इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट आते हैं, ठीक है, तो हाल की आली लगभग 5-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस हो जाता है। जो ट्रैक्टर मैंने आपको दिखाया है यह ऑन रोड लगभग आपको 8 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगा। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है वो अलग अलग होती है, अब प्लस माइनस 5-10 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।